हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल इन वैनिक स्मार्ट क्लास आज मैं आपको डिस्कशन करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन टू मच एंड मच टू वेरी एंड मच माइंड फ्रेंड्स हमेशा स्टूडेंट लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं टू मच और मॉच टू का यूज को लेके और वेरी और मॉच का यूज को तो आज जो प्रॉब्लम आप हमेशा के लिए फेस करते हैं आ रहे वो प्रॉब्लम का समाधान करने जा रहा हूं ओके लेट्स स्टार्ट माइंड ऑफ फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे टू मच और मॉच टू के यूज के बारे में है ना सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है टू मच और मॉस्टू का मीनिंग क्या होता है ना द मीनिंग ऑफ टू मच और और मोर आवश्यकता से ज्यादा है ना अगर दोनों का मीनिंग सेम है तो फिर इनका डिफरेंस क्या है क्या यूज होता है क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है माइंड डिफरेंस बिल्कुल डिफरेंस है लेकिन इनका जो मीनिंग है वो सेम है दैट इज एक्सेस और मोर देन रिक्वायर्ड और डिफरेंस ये है कि टू मच यूज बिफोर नाउन और मच टू इज यूज बिफोर एडजेक्टिव टू मच का प्रयोग नाउन से पहले होता है और मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है आप लोगों में से कोई पूछ सकता है सर ये तो हमने याद कर लिया लेकिन हम कैसे टेक्निकली हम लोग आइडेंटिफाई हम लोग को पता चले हम लोग समझ सकते हैं क्यों टू मच के बाद नाउन आता है और मस्ट के बाद एडजेक्टिव आता है लेट्स सी क्या है जैसे मैंने तो जो कुछ बोला यहां पर लिख रखा है कि जैसे कि too much से पहले क्या है ना मच के बाद नाउन आता है मस्ट के बाद एडजेक्टिव आता है लेकिन हम टेक्निकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मच बाद क्यों नाउन आता है और मस्ट के बाद क्यों एडजेक्टिव आता है देखिए ऐसे टू क्या है ना एक है मच टू मच क्या है ना एडजेक्टिव है ऑब्वियसली एडजेक्टिव बात क्या आना चाहिए नाउन आना ना चाहिए तो नाउन आया तो फिर रूल याद करने की आवश्यकता नहीं है देखिए मच क्या है ना एक एडजेक्टिव क्या है ना एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद ऑब्वियसली एडजेक्टिव आ सकता है नाउन नहीं आ सकता एडजेक्टिव आ सकता है नाउन आ सकता है और भर भी आ सकता है तो फिर हम याद करने की आवश्यकता नहीं है समझ में आया ठीक है ओके लेकिन एग्जाम में क्या करता है मान लीजिए नाउन है तो उससे पहले क्या रहना चाहिए टू मच लेकिन इनकरेक्ट करने के लिए दे देता है मच टू ठीक है मान लीजिए एडजेक्टिव है लगना चाहिए उससे पहले मच टू लेकिन दे देता है थोड़ा इस चीज में आप लोगों को ध्यान रखना है श्योर है अब डिस्कशन करेंगे और को लेके डिफरेंस माइंड फ्रेंड्स वेरी का यूज हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले होता है और मौज का यूज होता है हमेशा तो आप लोग पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट ना प्रेजेंट एक्शन एंड पास व्हाट कंप्लीट एक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल जनरली फॉन्ड बाय एडिंग टू द

कि वेरी का जो यूज होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले होता है और मौज का जो यूज होता है वो पास पार्टिसिपल से पहले होता है तो आप लोग दिमाग में ये सवाल आ सकता और कुछ difference है। जो Varie और का यूज में हा डिफरेंस क्या डिफरेंस है ना वेरी का जो यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है और मौज का जो यूज होता है वो कंपेरिट डिग्री के साथ होता है कैसे देखते हैं देखे जो कुछ मैंने बोला उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है ना इस पीपीटी के माध्यम में देखिए वेरी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल और एग्जाम्पल मैंने कहा इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंटिंग क्या है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल ही वाज मोर डिसअपॉइंटेड तो डिसअपॉइंटेड पास्ट पार्टिसिपल है इस वजह से उससे पहले क्या लगा ना मच ठीक है और मैंने क्या बोला था कि वेरी का यूज जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री से होता है पहले होता है और मौज का जो यूज होता है वो कंपेर डिग्री देखिए जैसे तो यहां पर लिखा है देख सकते हैं एग्जाम्पल कहते हैं इट इज अ वेरी गुड आइडिया एक अच्छा आइडिया है है ना तो क्या इस सेंटेंस में जो कुछ बोला गया क्या किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन किया गया नहीं किया गया है बस ऐसे बोला जा है कि अच्छा आइडिया है किसके साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव डिग्री में है ठीक है दूसरा एग्जाम्पल चलते मच बेटर स्कीम ये बहुत अच्छा स्कीम मतलब और किसी से कल्पना कंपेरिजन किया जा रहा है श्योर है तो फिर यहां पे क्या लगा ना मच लगा श्योर है कंफर्म फिर से मैं दोहराना चाहूंगा क्या है ना टू मच नाउन से पहले मच टू एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज क्या होता है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल और पॉजिटिव डिग्री के साथ और मौज का यूज क्या होता है ना पार्टिसिपल एंड डिग्री के साथ ओके okay, समझ में आशा करते हैं आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा और ये चीज आपको कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली मददगार होगा हेल्पफुल होगा फिर और एक क्लासेस में कुछ एक ऐसा नया नया शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जो आपका प्रॉब्लम का क्या समाधान करने के लिए फिर मिलते हैं एक नया शॉर्ट वीडियो के साथ थैंक यू सो मच